और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतला रहे हैं आकाशगंगा के बारे में, बताएंगे उससे जुड़े रहस्य और उससे जुड़ी कुछ अद्भुत जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम रात में तारों से भरे आकाश को देखते हैं तो हम उसकी दीप्ति के वैभव से प्रस्फुल्लित हो उठते हैं। यदि हम किसी गांव में रहकर आकाश दर्शन करते हैं तो यह और भी अधिक आनंद देने वाला होता है, क्योंकि शहरों की अपेक्षा गांव में बिजली की रोशनी की चकाचौंध कम होती है तथा वातावरण स्वच्छ एवं शांत होता है। जब हम प्रतिदिन आकाश का अवलोकन करते हैं तो दोस्तों, हम सबको धीरे धीरे यह पता चलने लगता है कि ना ही सभी तारों का प्रकाश एक समान है और ना ही उनके रंग। हम अपनी नंगी आँखों से जितनी भी तारों एवं तारों समूह को देख सकते हैं, वे सभी एक अत्यंत विराट योजना के सदस्य हैं, जो आकाश में लगभग उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए नदी के समान प्रवाहमान प्रतीत होते हैं। इसे ही आकाशगंगा या मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी कहते हैं। दोस्तों, यदि हम आकाशगंगा को वैज्ञानिक भाषा में परिभाषित करें तो हम यह कह सकते हैं कि यह तारों का एक ऐसा समूह है जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से परस्पर बंधे हुए होते हैं। प्राचीन काल के ज्योतिषियों ने केवल आकाश में दिखाई देने वाले शुभ पट्टे को ही आकाशगंगा माना था, परंतु आज हम यह जानते हैं कि इसमें अरबों तारों, जिसमें से अधिकांश तारे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, के अतिरिक्त हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, अन्य सभी ग्रह, सभी ग्रहों के भी चंद्रमा अर्थात नैसर्गिक उपग्रह, उल्का पिंड तथा सौर मंडल के अन्य सभी सदस्य सम्मिलित हैं। आकाशगंगा की इसी विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त गैसों तथा धूलों का विशाल बादल भी होते हैं। दोस्तों, इन विशाल बादलों को तारा भौतिकी में निहारिका अर्थात नेबुला कहा जाता है। आकाशगंगा के कुल द्रव्यमान का 98% भाग तारों तथा शेष 2% भाग गैस एवं धूल के विशाल बादलों से निर्मित है। अगर आकाशगंगा की संरचनाओं की बात की जाए दोस्तों, तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सभी आकाशगंगाएं एक जैसी नहीं होती। संरचना के आधार पर आकाशगंगाएं तीन प्रकार की होती है, जिनके नाम है सर्पिल आकाशगंगा, दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा तथा स्तंभ सर्पिल आकाशगंगा। चलिए आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इन तीनों आकाशगंगाओं के बारे में दे देते हैं। पहले बात करेंगे सर्पिल आकाशगंगाएं की। दोस्तों, सर्पिल आकाशगंगाएं की संरचना डिस्क के आकार की होती है। सर्पिल आकाशगंगाओं का केंद्रीय भाग थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। केंद्रीय भाग के बाहर उसके दो विचित्र संरचना वाले हाथ निकले होते हैं। वैज्ञानिक के भाषा में बोला जाए दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि सर्पिल आकाशगंगा में कम आयु वाले तारे होते हैं और यहाँ पर नए तारों का निर्माण भी होता रहता है। हमारी आकाशगंगा भी इसी प्रकार की संरचना वाली है। हमारी पड़ोसन मंदाकिनी देवयानी भी सर्पिल संरचना वाली है। क्या आप जानते हैं कि अभी तक संपूर्ण ज्ञातवय ब्रह्मांड में उपस्थित सभी आकाशगंगाओं में 80% आकाशगंगाएं सर्पिल संरचना वाली ही है। अब बात करते हैं दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं की। दोस्तों, इस प्रकार की आकाशगंगाएं चिकनी तथा बिना किसी विचित्रता के होती है। ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात कुल आकाशगंगाओं में लगभग 17% आकाशगंगाएं इसी प्रकार की संरचना वाली है और तीसरी है स्तंभ सर्पिल और अनियमित आकाशगंगाएं। दोस्तों, इस प्रकार की संरचना वाली आकाशगंगाओं की दोनों सर्पिल हाथें एक सीधे स्तंभ के दोनों छोर से उद्गम होते दिखाई देते हैं। यही सीधा स्तंभ आकाशगंगा के केंद्र से होकर गुजरता है। अब तक ज्ञात कुल आकाशगंगाओं में लगभग 1% आकाशगंगाएं इस प्रकार की संरचना वाली है।
और चलिए दोस्तों अब आपको बतलाते हैं हमारी आकाशगंगा के बारे में, अर्थात दुग्ध मेखला मिल्की वे के बारे में। दोस्तों हमारा सूर्य और उसका परिवार यानी सौर मंडल जिस आकाशगंगा के सदस्य हैं, उसका नाम दुग्ध मेखला अर्थात मिल्की वे है। आकाशगंगा के आकार प्रकार को अगर आपको समझना है तो आप एक चपटी रोटी की कल्पना कीजिए जिसका माध्यम थोड़ा सा फूला हुआ है। अरबों खरबों तारों से मिलकर एक विशाल योजना बनती है जिसे मंदाकिनी कहते हैं। वास्तविकता में आकाशगंगा एक मंदाकिनी ही है। हमारी आकाशगंगा का व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है और इसमें 100 अरब से भी अधिक तारे हैं, अर्थात इसका संपूर्ण द्रव्यमान हमारे लगभग 100 अरब सूर्यों के बराबर होगा। हमारी आकाशगंगा यानी कि दुग्ध मेखला 24 आकाशगंगाओं के एक समूह का सदस्य है जिसे स्थानीय समूह अर्थात लोकल ग्रुप्स कहते हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों सूर्य 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाशगंगा के केंद्र की ओर अपनी परिक्रमा कर रहा है। आकाशगंगा की एक परिक्रमा को पूर्ण करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि पृथ्वी पर मानव के संपूर्ण अस्तित्व काल में सूर्य ने आकाशगंगा की एक भी परिक्रमा पूर्ण नहीं की है। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में खगोल शास्त्रियों की ऐसी धारणा थी दोस्तों कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी आकाशगंगा में ही समाहित है, परंतु अंत गोतवा यह धारणा पूरी तरह गलत सिद्ध हुई। सन 1924 ईस्वी में एक अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों की संख्या में आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। दूसरी आकाशगंगाओं के अस्तित्व को सिद्ध करने के पश्चात हबल ने बाद के वर्षों में उनके वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम का प्रेक्षण करने और तालिका के निर्माण में यह बताया। दोस्तों एडविन हबल ने अपने प्रेक्षणों से यह निष्कर्ष निकाला कि आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में अस्थिर नहीं है। जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे ही उनके दूर भागने की गति भी तेज होती जाती है। इस तथ्य को आप इस तरह से समझ सकते हैं, यह मानकर कि आकाशगंगाएं बहुत बड़े वेग यहाँ तक प्रकाश तुल्य वेग के साथ हमसे दूर होती जा रही है। आकाशगंगाएं दूर होती जा रही है तथा ब्रह्मांड फैल रहा है, यह डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया गया है। सभी आकाशगंगाओं के वर्णक्रम की रेखाएं लाल सिरे की तरफ सरक रही है, यानी वे पृथ्वी से दूर होती जा रही है। यदि दोस्तों आकाशगंगाएं पृथ्वी के समीप आ रही होती तो बैगनी विस्थापन होता। अतः आज अनेकों तथ्य यह इंगित कर रहे हैं कि ब्रह्मांड प्रकाशीय वेग के तुल्य विस्तार मान है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके बिंदुओं के बीच की दूरी को हम बढ़ते देखते हैं। सन 2011 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित तीन खगोल वैज्ञानिक साउल परलमुटर, एडम रिज और ब्रायन स्काइमिट ने निष्कर्ष निकाला दोस्तों कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति में त्वरण आ रहा है, यानी ब्रह्मांड समान नहीं बल्कि त्वरित गति से फैल रहा है। इसके त्वरित होने का मुख्य कारण श्याम ऊर्जा है, यानी श्याम ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार को गति प्रदान कर रही है। दोस्तों हम इतना तो अवश्य जान गए हैं, दूरी द्रव्यमान और काल तीनों ही दृष्टियों से ब्रह्मांड इतना अधिक विशाल है कि दैनिक जीवन के अनुभवों से इसका अनुमान लगाना असंभव है। अतः हमें गणित और विज्ञान के नेत्रों का सहारा लेना आवश्यक है। गणित और विज्ञान की सहायता से हमारे वैज्ञानिक खगोलीय परीक्षण कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और साथ ही साथ आप हमारे चैनल मिस्ट्री अर्थ को सब